दोस्तों 21st सेंचुरी में लगभग सारे काम जो पहले इंसान मैन्युअली किया करते थे, आज वो सारे काम टेक्नोलॉजी और मशीन्स कर लेते हैं। इनफैक्ट वो इंसानों से ज़्यादा तेज़ और एक्यूरेट होता है। आज अल्फाटेक HD हिंदी लौट आया है कुछ ऐसे अमेजिंग मशीन्स और टेक्नोलॉजी को लेकर जिन्हें आपने पहले शायद ही कहीं देखा होगा। आज इस वीडियो में आप मॉडर्न फैक्ट्री मशीन्स को देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें अल्फाटेक HD हिंदी को और बेल आइकन भी दबाएँ। वीडियो में पहला इंडस्ट्री मशीन है एक ओनियन पीलर। दोस्तों कांदे के छिलके निकालना अक्सर काफ़ी सरदर्द वाला काम होता है और इसमें थोड़ी मेहनत भी लग जाती है, और तब काम आता है ये अमेजिंग ओनियन पीलर मशीन। दोस्तों ये मशीन्स कई सारे कांदों के छिलके को बड़ी तेजी से निकाल सकती है और वाकई में ये कमाल इन्वेंशन है। कांदों को ट्रेस में मशीन्स में डाला जाता है और डालने के बाद ये मशीन कांदों को सिंगल सिंगल रो में बांट देती है, और जिसके बाद पहले इसके टॉप और टेल को शार्प ब्लेड्स के साथ काट दिया जाता है, और इन कांदों के दोनों साइड्स के ब्लेड से कट होने के बाद इनका छिलका कांदे से अलग हो जाता है। अब फाइनली एक पीलिंग यूनिट में कांदे के उतारे हुए छिलके को अलग कर देता है, और अब इस पील्ड ऑनियन को कन्वेयर की मदद से आगे भेजा जाता है, और जहां वर्कर्स इनमें से खराब पार्ट को काट लेते हैं, और इंस्पेक्शन के बाद इन्हें फाइनली पैक कर लिया जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे है काकरा मेकिंग मशीन। हम में से ज़्यादातर लोगों ने काकरा तो खाया ही होगा, और ये कई लोगों का मन पसंदीदा नाश्ता भी तो है। तो काकरा बनाने की शुरुआत होती है इसके डॉफ बनाने से, जिसके बाद इस तैयार डॉफ को एक वर्कर वजन के मुताबिक अलग अलग टुकड़ों में बांट देता है, और इसके बाद एक वर्कर इन डॉफ के छोटे छोटे गोले बनाकर एक प्रेशर में डाल देती है, जहां इन्हें अपना गोल शेप मिल जाता है। इसके बाद इन्हें हाफ बेक किया जाता है। अब हाफ बेक होने के बाद इन काकरस को फाइनली एक बेकर में डाल दिया जाता है, जहाँ कुछ मिनटों में ही तैयार हो जाता है काकरा, और इसके बाद इनकी पैकेजिंग की जाती है। दोस्तों हम सब ये जानते हैं कि अखरोट खाना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, और ये बाज़ारों में काफ़ी महंगे बेचे जाते हैं। तो आइए देखते हैं अखरोट यानी वॉलनट की प्रोसेसिंग। खेतों से लाने के बाद इन फ्रेश अखरोट्स को कन्वेयर की मदद से फैक्ट्रियों में लाया जाता है, जहां इन्हें एक रोलर में डाल दिया जाता है, और जिसके कारण इनके शेल्स टूट जाते हैं। आगे इन वॉलनट्स को एक वाइब्रेटिंग बेल्ट और रोलर से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद इनके शेल्स इनसे अलग हो जाते हैं, और ये वॉलनट्स छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। अब वॉलनट्स को एक वाइब्रेटर बेल्ट से गुजरना पड़ता है, जहां इनका कचरा इनसे अलग होगा, और जिसके बाद ये पहुंचेंगे सीधे इंस्पेक्शन रूम में, जहां खराब वॉलनट्स को फेंक दिया जाता है, और फाइनली इन टॉप क्लास वॉलनट्स की पैकेजिंग की जाती है।
दोस्तों, अब आगे हमारे पास है एक ऐसी प्रोसेसिंग लाइन जहां सैल्मन, टूना और कई सारे मछलियों की क्लीनिंग की जाती है और उन्हें बाजारों में बेच दिया जाता है। इस मशीन प्लांट में बस कुछ ही वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है जो बस मछलियों को एक कन्वेयर से दूसरे कन्वेयर पर सिस्टमेटिक तरीके से रखने के काम करते हैं ताकि मशीन्स इन मछलियों को आसानी से काट सके। और इन सारे मशीनों को कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है ताकि 100% एक्यूरेसी मिल सके। इस एफिशिएंट प्रोसेसिंग लाइन के साथ मार्केट में मछलियों का हाई डिमांड को भी कई हद तक पूरा करना पॉसिबल हो जाता है। अगर मैन्युअली भी इन मछलियों को साफ किया जाए तो बहुत सारा लेबर, टाइम और पैसा लग जाएगा जो कि फिश मार्केट के डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। पर अगर ऐसी प्रोसेसिंग लाइन हो जहां मशीन्स खुद ही मछलियों को पूरी तरह से साफ कर दे तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो का ये आखिरी सेगमेंट है बोनस सेगमेंट। फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक ऐसा जूसर लाए हैं जो आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। इसके साथ आप बगैर बिजली के फ्रेश एंड हेल्दी जूस बना सकते हैं। ये तो हो गई इसकी पहली खासियत। पर जो चीज़ इसे एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनाती है वो है इसमें अटैच्ड कंप्रेसर। हम अगर जूस बनाने के बाद ये सोचते हैं कि जो रेसिड्यू जूस निकालने के बाद बचता है उसका क्या करें, तो ये जूसर आपके लिए वो भी कर देगा। इस जूसर में लगे कंप्रेसर की मदद से आप जूस निकालने के बाद बचे हुए रेसिड्यू से भी जूस निकाल सकते हैं और एक हेल्दी और फिट लाइफ जी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जस्ट हैव अ लुक। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।